Subscribe, like and share Awamka TV and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसरा बेल्जिक को पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वो प्रोडक्ट कौन सी है, इस चीज को जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कहानी कुछ यूं है कि इसरा बेल्जिक को पहले जैज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और अब खाडी ने बना लिया है इसरा बेल्जिक को अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर। और इसरा बेल्जिक बहुत जल्दी पाकिस्तान आ रही है उसकी शूटिंग के लिए। इसरा बेल्जिक कहती है कि बहुत जल्दी उसकी पब्लिसिटी टीवी के लिए शूट की जाएगी और मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ कि एक के बाद एक पब्लिसिटी और एक के बाद एक ब्रांड मुझे मिल रही है। मैं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। याद रहे कि जब जैज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इसरा बेल्जिक को, तो यासिर हुसैन और इसके अलावा और भी बहुत से एक्टर्स ने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा तनकीद की थी। यासिर हुसैन पेश थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में एक्ट्रेस की कमी नहीं है तो फिर क्यों दूसरे हीरोइंस को अपने मुल्की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। यासिर हुसैन को भी इस चीज के लिए काफी एक्ट्रेस की तनकीद का सामना करना पड़ा था। इसरा बेल्जिक पाकिस्तान में दिन ब दिन मशहूर होती जा रही है और एक के बाद एक ब्रांड उन्हें हायर करती जा रही है। इसरा बेल्जिक इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं और कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क ने मुझे हायर किया है और मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। नाज़रीन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सही है कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद गैर मुल्की अदाकाराओं के साथ काम किया जाए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अवाम का टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अवाम का टीवी पे नो ड्रामा नो झूठी खबरें।